Okay, so now we are using shortcut method to find standard deviation. Okay, standard deviation का shortcut method में formula ये है जो मैं लिखा है. इसके बाद आपको अपने columns बनाने हैं, क्योंकि हमने formula में देखा हमें dx भी चाहिए. तो dx कैसे निकलता है? पहले हम उसके लिए क्या चाहिए होता है? m, m that is mid value. ठीक है, तो mid value find करनी आती है. कैसे निकालते हैं? lower limit plus upper limit upon 2, so that is 1. 2 plus 4, 6, 6 by 2, 3. अब इसमें क्या करो? 2, 2, 5, इसमें मिड वैल्यू कौन सी होगी? कोई इसमें ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 7 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, चलो 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आता है. अगर मैं सपोज 1, तो इसमें कितना आएगा? m माइनस a, 1 माइनस 5, 3 माइनस 5, 5 माइनस 5, 7 माइनस 5, 9 माइनस 5, 11 माइनस 5. ज़्यादा सबको आता होगा. फाइंड करो वैल्यू कितनी आ रही है. माइनस 4, माइनस 4, माइनस 2, माइनस 2, 0, 0, 2, 2, 4, 6, है ना? अब इसका स्क्वायर करना हमने, दैट इज 16, 4, 0, 4, 3, इसका सम कितना होगा? क्योंकि फॉर्मूले में ये चाहिए हो. देखो 16 और 4 20, 16 और 4 20, 20 और 20 40, 40 और 36 70, 70, 70, ठीक है. अब आपने निकाला है f dx, dx ये है, f ये है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 मल्टीप्लाई माइनस 4, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, माइनस 8, 6 मल्टीप्लाई 0, 0, 4 2 जा 8, 2, 4 is 8, 6, 6 is 8, ठीक है? अब इसकी वैल्यू निकालो. सिग्मा ऑफ dx देखो कितना आ रहा है. ये हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा ऑफ dx. 8 और 8, 16, 16 और 36 कितना होता है? 52, और माइनस माइनस प्लस, दैट इज 8 प्लस 8, 16, 52 में 16 को माइनस करोगे दैट इज 6, 2 में से 1 गए 3, 36 कितना आ रहा है ये? 36. अब आपको नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या करना है? f dx स्क्वायर, जो dx स्क्वायर है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? f से, ठीक है ना? तो यानी कि dx स्क्वायर कितना है क्या? ये है हमारा dx स्क्वायर और ये है f. 2 मल्टीप्लाई 16, 4 मल्टीप्लाई 8, समझ में आ रहा है? dx स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन फ्रीक्वेंसी के साथ, देन 6 0 जा 0, 4 4 जा 16, 2 16 जा 32, 6 36 कितना आएगा? 6 6 जा 36, 18, 19, 20, 21. अब इसको प्लस करो जरा कितना आ रहा है? सिग्मा एफ डी एस स्क्वायर. देखो कितना आ रहा है, जल्दी बताओ प्लस करके कितना आ रहा है? 120. पर मान लो जरा नहीं कर 120 कैसा रहेगा? 216 तो लास्ट हो रहेंगे तभी यही आएगा. कितना आ रहा है? 12 ना, हाँ, यानी कि 312, ठीक है? तो 312 क्या हुआ इसका? एफ डी एक्स स्क्वायर. अब वैल्यू पुट करो, वैल्यू में इसमें रखनी है ना, तो देखो एफ डी एक्स स्क्वायर ये वाली वैल्यू है, सो दैट इज 312 अपॉन
36 अपॉन में n कितना है 24 का होल स्क्वायर, यानी ये देखो ये कट रहा है किसी से, 6 से कट रहा है, 6 6 जा 36, 6 4 जा अभी भी कट रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो यानी कि क्या है स्क्वायर रूट के अंदर 312 अपॉन 24 माइनस 3 अपॉन 2 का स्क्वायर है ना, यही है ना, यस मैम, देन 312 अपॉन 24 माइनस 3 9 और 2 2 4, ठीक है। अब आपने इसका एलसीएम निकालना है, दैट इज 24 ही एलसीएम आएगा इसका, 24 एलसीएम है तो इधर 312 ही रहेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 से करना 6 जा रहा है तो 9 को भी 6 से करना पड़ेगा, दैट इज 54 है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 12 में से 4 गए 8, 10 में से 5 गए 5 2 अपॉन 24, देखो कट रहा है, कट रहा है ना, काटो उसको, 3 से भी कट रहा है, 3 8 24, 3 6 3 8 अगेन 2 से कट रहा है, 2 4 2 3 और 2 4 43 अपॉन 4, 43 अपॉन 4 का डिवाइड करो कितना आया, 10 पॉइंट चल रहा है, और जैसी वैल्यू आई है ना। अभी जब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं बताया था मैं कैसे निकलता है स्क्वायर रूट, 10.75, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, दैट इज 10 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर कौन सा आता है, 2 2 4, 3 3 9 और 4 4 16, तो क्या लेंगे 3 3 9, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे 1 3 3 6 पॉइंट है, सो यू हैव टू पुट पॉइंट हियर, अब 1 के साथ हमें क्या होगा यहाँ पे 7 5, अब देखो 6 के साथ में कौन सा नंबर लूंगी को मुझे 175 मिला, देखो 2 लेके देखे 2 2 4 2 6 12, 3 लेके देखो 3 3 9 3 6 18, ये तो बड़ा हो रहा है, हम कौन सा लेंगे 2, कितना आ रहा है 124, 5 - 4 is 1, 7 - 2 is 5, अब 62 ये है, यहाँ की यूनिट डिजिट ये है, 62 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 64, अब 64 के साथ अगर मैं कोई नंबर लूंगी तो देखो वो हमारा 3 डिजिट का 5 के प्लस से ज्यादा हो जाएगा है ना, अगर हम इस ये वाला नंबर से देखते हैं कंपेयर करते हैं ये वाला नंबर, ये 6 है ये 5 है, तो ये बड़ा है ना और अंदर वाला छोटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 लगाएंगे। अगर सपोज मैं यहाँ पे 1 भी लेती हूँ, यहाँ पे अगर मैं 1 लेती हूँ तभी भी ये ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 1 और 0 लगा देंगे, 0 हम लगा सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी पॉइंट तो लगाई रखा है, पॉइंट हमें क्या है प्रोवाइड कर रहा था ना 0, तो हम क्या लेंगे हमने 1 और 0 लगाया, अब देखो हम 64 के साथ में कितना नंबर ले सकते हैं, 64 7 करके देखो, 7 7 49, 7 4 28 + 4 32, 7 6 42, 43, 44, 45, एक तो यार अगर मैं 8 लेके देखती हूँ 8 8 = 64, 8 4 = 32, 32 + 6 = 38, 8 6 = 48, 49, 50, 51, ये तो ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या लेंगे इसके साथ में 7, तो आंसर कितना आ गया मेरा 3.27, इज इट क्लियर, यस मैम, ठीक है, डू फास्ट, स्क्वायर रूट निकालने से तो आता है ना, प्रैक्टिस करो भाई स्क्वायर रूट कैसे निकलते हैं, ठीक है, यस मैम, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं नहीं करूंगी, वो खुद से तुम करोगे, यस मैम, वो स्टेप डिवीजन मेथड से करना है, मैं बस बताऊंगी कैसे आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ओके सो नाउ स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का, बताओ लिखा है तुम सबने, सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन डैश अपॉन एन इनटू सी, सी बाहर आता है, ठीक है ना, देखो सेम फॉर्मूला शॉर्टकट की तरह रहता है लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे डैश आ जाता है, यहाँ पे भी डैश आता है, सेम फॉर्मूला और इनटू सी एक्सट्रैक्ट हो जाता है, सी मतलब है कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों के बीच का क्या है, इन दोनों के बीच
हमें 10 है, तो कॉमन फैक्टर कितना हुआ वहां पे 10। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो हमें क्या dx निकालना है। पहले तो dx निकलेगा, उसके बाद dx डैश निकलेगा। dx डैश का फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन c, और dx आपने ये निकाला, इसको डिवाइड करना होगा c से, तो आपका क्या निकलेगा dx डैश। ठीक है, और उसके बाद क्या निकालना है एफ डी एक्स डैश, है ना। क्वेश्चन में देखो ना, फॉर्मूले में देखो क्या निकालना है उसके बाद एफ डी एक्स डैश, पहले एन निकालो इसको कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन, तुम्हें करोगे पूरा। इसके बाद आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको निकालना है एफ डी एक्स डैश, और लास्ट में क्या करना है एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर, यही है ना। चलो देखो भाई कितनी आ रही है इसकी मिड वैल्यूज, 5 5 5, जोर से बोलो 35 35 45 55 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
तो m क्या लेंगे हम इसकी बिग वैल्यू कुछ भी ले लो 35 ले लो फटाफट ले लो 35 ले लो तो ये a हो गया ना पास अब m dx निकालो कितना है जल्दी फाइंड करो कितना आ रहा है dx ओके अब बताओ dx कितना कितना आ रहा है करो जरा कितना है दोनों का